हाँ तो भाई गजक पट्टी वाले, आओ बताओ। और सब ठीक है भैया, तुम बताओ। हमारा भी ठीक है। यह बताओ, जब यह तिलकधारी पीटा जा रहा था तो कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था। काहे? अरे भाई अंकल, मैं टल्ली तो नहीं लग रहा ना? अरे सात आठ पैग में कोई टल्ली थोड़ी होता है। कौन है रे तू? मैं रेड्डी के घर को ढूंढ रहा था। यहाँ बुलबुल रेड्डी रहते हैं क्या? कोई बुलबुल रेड्डी नहीं है, वो बुल रेड्डी रहता है इधर, मेरा बॉस है वो। क्या हुआ भाई? दरअसल हम जब भी हिचकी ले रहे हैं। अच्छा, कौवे का आवाज आ रहा है भाई। क्या खाए थे? Well, I had a malunch. ए भाई, मैं 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। टेंशन नहीं लेने का, पहुंचा दूंगा वहां तक। वापस आने तेरे काम है। तो ये सब ड्रामा क्यों? ए, लेकर निकल अपने दोस्त को और दोबारा इस गली में कदम मत रखना। रखूंगा, और जिस दिन रखूंगा जंगल यही होगा, लेकिन शेर बदलेगा। तुम्हारी किस्मत खराब है कि आतंकवादी बनने के बाद तुम मुझसे मिले हो। अगर पहले ही मिल गए होते तो आतंकवादी बनने का ख्याल कभी दिल में ही नहीं आता। पता है तुम्हारे इस बैड लक में गुड लक की बात क्या है? मेरी माँ बोली चल रहे छोरी देखने चल लेंगे, तैयार हो ले। मगर तमे देखे हो, मैं तो रोज देखू हूँ भाई साहब। पांच इस गल पे और एक बिलन कड़ में। मिसाल के तौर पे तो के एगो बात बता दी, 1 लाख पूता 1.25 लाख नाती, रावण के घर में दिया न बाती। अरे सनकी तो हम हिले हई, लेकिन देख भाई, नीचे से काटना शुरू करूंगा ना, इतना कर दूंगा, और यहीं पे कीमा बना के ओखला मंडी में कुत्तों के सामने डाल दूंगा, समझा? बॉम्बे का गया बाप, मनिया सुर में इतना गुस्सा, बाप से ऊंची आवाज में बात करेगा। शादी की उम्र है मेरी? जी जी मैडम सर। तुम अच्छे लगते हो। शुक्रिया मैडम सर। शादी कब करनी है? जिसको तू धंधा बोलता है ना, क्राइम में वो धंधा बंद कर ले, वरना सांस लेना भी मुश्किल कर दूंगा। गुजरात की हवा में व्यापार है साहेब, मेरी सांस तो रोक लोगे, लेकिन इस हवा को कैसे रोकोगे? झगड़ा करेगा? ना मुन्ना झगड़ा नहीं करता, मुन्ना सिर्फ पीटता है। वैसे इतनी उदास क्यों लग रही हो? कल जो भी कोर्ट में हुआ उस बात से पैर काट दिया। क्या? पैर काट के अलग कर दिए। फिरेंदर के पैर तुमने काटे? उसके लिए कानून है, सिस्टम है, क्या कोर्ट है। खड़ा कानून है? उस लड़की को बचा पाया? तुम कभी नहीं सुधरोगे। काय को सुधरे? ये दुनिया बहुत बिगड़ी हुई है गायतोंडे साहब। इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए बिगड़ा हुआ होना बहुत जरूरी है। कैदी नंबर 602 हाजिर है। सर झुकाकर बात करो। ये सर किसी इंसान के सामने नहीं झुक सकता जेलर साहब, झुकेगा तो सबके कर्म सामने आएंगे। वो क्या है ना, कर्मा रिश्वत नहीं लेता। हेलो, और गंगरू सेठ कैसा चल रहा है धंधा पानी? धंधा फर्स्ट क्लास चल रहा है, टकाटक चल रहा है, और नोटों की तो बारिश हो रही है, बारिश। और हम पर थोड़े छींटे नहीं गिराओगे? अबे बिना भेजे की खोपड़ी, खोके का मतलब करोड़ करोड़। ऊंचू दशहरा है, दशहरा मतलब रावण खत्म, बुराई खलास। हर साल इसी दिन जलाते इसको। तुम हर साल रावण को इसीलिए जलाते हो क्योंकि तुम जानते हो कभी नहीं मरता। मुझे ना ये साफ सुथरे लोगों से घिन आती है। चल कल्टी मार, चल। तेरा ही फायदे की बात है। बीवी भाग गई क्या? एक भाग गई तो गम नहीं, और बहुत है। ऊंचू दशहरा है, दशहरा मतलब रावण खत्म, बुराई खलास। हर साल इसी दिन जलाते इसको। तुम हर साल रावण को इसीलिए जलाते हो क्योंकि तुम जानते हो कभी नहीं मरता। नाटक मत कर बल्ले। ये ऑफिसर की हेकड़ी साइड में रख और बाप की तरह बात कर। हाथ जोड़, आंखों में आंसू ला, घुटनों पे आ, झोली फैला और भीख मांग, मांग भीख। औरत की लाचारी पर हंस रहा है।
ऐसे लोगों की जहरीली हंसी से तो एक औरत को पेशाब करने में भी शर्म नहीं आएगी। अरे चुप कर शर्म तो तेरे को आनी चाहिए। आज बचाऊंगा कल कौन बचाने आएगा तेरे को। मैं जो कुछ भी हूँ अपने धंधे की वजह से नहीं अपने फैसलों की वजह से हूँ। आज तक इस शहर ने मेरा हर फैसला माना है और आगे भी मानता रहेगा। जवाब नहीं आपकी मूछों का। मूछे हो तो नथुलाल जी जैसी हो वरना ना। ये तो आपका बड़प्पन है। मेरा बड़प्पन है? मूछे बड़ी आपकी और बड़प्पन हमारा? नहीं। तुम्हें देख लूंगी। ज्यादा मत देखी हा। काहे की लड़की हमके ज्यादा देखे ली सर तो कनी के प्यार हो जाला। जेब खाली हो तभी तो सपने देखने चाहिए। तभी तो जेब भर जाने के बाद उन सपनों को सच किया जा सकता है मेरे भाई, है ना चाचा? गुड्डू पंडित, बबलू पंडित, इस शहर में रहना है तो ये दो नाम याद रख लो भैया। अल्लाह से दुआ करके मैं वापस तेरे इलाके में नहीं हूँ। अगर आ गया ना तो तुझे इतना मारूंगा कि जिंदगी में ईमान वाले की इज्जत करना सीख जाएगा। 70 खूब भी है मरे में पर मजा ले मारे घर क्या ने एक भी दिख दियो दे। उस हरामी को हमें मिटाना है। गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी।